अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर ऑल एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वीडियो में वो है द डेथ ऑफ अ टोड पोइम बाय रिचर्ड विल्बर। तो हम क्या क्या करने जा रहे हैं इस वीडियो में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू बायोग्राफी ऑफ रिचर्ड विल्बर, फिर हम एनालिसिस अच्छे से करेंगे पोइम का लाइन बाय लाइन, एंड देन वी विल लुक एट द थीम्स ऑफ द पोइम। सो we will see biography of Richard Wilbur. Richard Wilbur, born on 1912 and died in 2017. Richard Wilbur, born in New York City, he is one of the most important poets and lauded and honored poets of the 20th century of America. Lauded matlab highly praised. Wilbur was the second poet laureate of the United States. These are the things which we can include in his praise, through which we can explain his eminence. तो eminence मतलब उसकी शान और शौकत, यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत हम अपने क्वेश्चन को एक अच्छा लुक देने के लिए हम ऐड कर सकते हैं। डैनियल बोर्स्टेन द लाइब्रेरियन ऑफ कांग्रेस अनाउंस्ड विल्बर एज अ पोइट फॉर ऑल ऑफ अस हुज एलिगेंट वर्ड्स ब्रिम विद विट एंड पैराडॉक्स। ब्रिम मतलब फुल ऑफ, यानी कि उसकी पोइट्री में हमें विट मिलती है, पैराडॉक्स मिलती है। During his lifetime, Richard Wilbur won the Pulitzer Prize and National Book Award. He was the recipient of numerous honors and awards, including the Wallace Stevens Award, the Frost Medal, the T.S. Eliot Award, and many more honors and awards for his poetry. Wilbur was also a soldier in World War II. तो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं रिचर्ड विल्बर के, ब्यूटीफुल चेंजेस एंड अदर पोइम्स, ये इसकी फर्स्ट बुक है। नेक्स्ट इज ऑपोजिट्स, द डिसअपीयरिंग अल्फाबेट, मोर ऑपोजिट्स, ये इसने दीज बुक्स ही पब्लिश्ड फॉर चिल्ड्रन। एंड नेक्स्ट इज न्यू एंड कलेक्टेड पोइम, और जो ये वाले दो हैं जो जिनके मैं अपना नाम लेने लगी हूँ, ये उसकी अनपब्लिश्ड वर्क्स हैं, यानी कि ही रोट बट ही डिडंट पब्लिश देम, दीज आर अनपब्लिश्ड, द विंग एंड टू बिटार्स। ठीक है, तब हम पोइम को स्टार्ट करते हैं द डेथ ऑफ अ टोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पैटर्न देख लेते हैं कि पोइम का पैटर्न क्या है। तो इसकी जो सी राइमिंग स्कीम है पोइम की वो है ए ए बी सी बी सी, और इसमें थ्री स्टांजस हैं, और हर स्टांजा का पैटर्न कैसे है के सिक्स लाइन्स है, जिनको कहा जाता है सिसिट। स्पेलिंग इसके ये हैं एस ई एस टी ई टी एस, जो कि यानी कि सिक्स लाइन पर जो स्टैंजा मुश्तमिल हो उसको कहते हैं, और राइमिंग स्कीम है इसकी ए ए बी सी बी सी, यानी कि पहली दो लाइनें आपस में मिलेंगी, फिर थर्ड एंड फिफ्थ लाइन आपस में मिलेगी, एंड फोर्थ एंड सिक्स लाइन फिर तीन आपस में मिलेगी। तो हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ते हैं। टोड बेसिकली क्या होता है, टोड वो होता है जो कि मेंढक की टाइप का होता है, यानी कि उसी की नस्ल से होता है। तो अब हम पढ़ते हैं, ए टोड द पावर मोवर कॉर्ड च्यूड एंड क्लिप्ड ऑफ अ लेग विद अ होपिंग होप हैज गोड टू द गार्डन वर्ज एंड सेंचुराइड हिम अंडर द साइनेरिया लीव्स इन द शेड ऑफ द एशियन हर्ड शेप लीव्स इन अ डिम लो एंड ए फाइनल ग्लेड। तो अब हम देखते हैं कि मोवर क्या होता है, वो ग्रास कटर होता है, उसकी मैं पिक लगा रही हूँ वो भी आप देख लें, कि वो ग्रास कटर होता है और वो टोड के ऊपर चला, और क्या हुआ कि उसकी जो सी लेग है वो उसके साथ इंजर्ड हो गई, और अब वो ऐसे यानी कि चल रहा है। होपिंग का मतलब है कि नोट टू नो, यानी कि अब वो एक जो पहला उसका तरीका था जिस तरीके से चल सकता था, अब वो उस तरीके से नहीं चल सकता। होपिंग का मतलब है नॉट मूविंग इन गुड वे, और जो उनसे होप है, होप का मतलब है कि जंपिंग, यानी कि अब वो ऐसे जंप लगा कर यानी कि सही तरीके से नहीं चल पा रहा, तो जो उनसे उसके वो चलने का स्टाइल है वो उसका इफ़ेक्टेड हो गया है इस मोवर की वजह से।
और फिर वो यानी कि अब वो उस जो से मोवर का रास्ता है उससे वो हट गया है जो उसे तोड़ है, और वो अब कहाँ पर चला गया है, टू द गार्डन वर्ज, यानी कि वो गार्डन की साइड पर चला गया है एंड सेंचुराइड हिम। सेंचुराइड क्या होता है, होली प्लेस होती है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम वो लेंगे कि जहाँ पर वो टोड पीस महसूस करेगा जिस प्लेस पर, उसे हम सेंचुराइड प्लेस कहेंगे। अंडर द साइनेरियो लीव्स इन द शेड ऑफ द एश एंड हार्ड शेप लीव्स इन अ डिम लो एंड ए फाइनल ग्लैड, ये सारा वो पिक्चराइज्ड हमें करती है कि जो जिस प्लेस पर अब टोड चला गया है वो कैसा है। अंडर द साइनेरियो लीव्स, यानी कि जो सी लीव्स हैं उनका बता दिया गया है, एशन का मतलब पेल, हार्ड शेप लीव्स इन आ डिम लो एंड ए फाइनल, डिम और लो का मतलब क्या है कि वो अब यानी कि अंधेरे वाली जगह पर चला गया है जहाँ पर लाइट नहीं आ सकती है और वो जगह डिम है। एंड ए फाइनल ग्लेड, फाइनल ग्लेड का क्या मतलब होता है, ग्रासी ओपन स्पेस। लेकिन यहाँ पर हम उसको बोलेंगे कि यानी कि वो ग्रास वाली एरिया में तो चला गया है, लेकिन अब वो ऐसे एरिया में चला गया है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच सकती, तो इसको हम यानी कि लाइफ की जो सी फ्रस्ट्रेशंस वगैरह हैं उसके थ्रू भी यानी कि ले सकते हैं कि यानी कि अब पहले यानी कि ये क्या हुआ, जख्मी हो गया, और अब ये क्या करता है कि यानी कि ये एनिमल है, एक जानवर की कैटेगरी में आता है, तो ये क्या करता है कि यानी कि उनके पास ये खासियत नहीं होती कि वो अपने आप को यानी कि इलाज वगैरह करवा सके, कोई इनकी जिम्मेदारी कर सके, तो इनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या जिंदा रहना या उनकी डेथ, दरमियाने जो से रास्ते की इनकी केयर वगैरह की जा सके वो नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये जो सा डिम लो प्लेस है, ये वो यानी कि जो उसकी डिफ़िकल्टीज हैं, जिंदगी के हार्डशिप्स हैं, डार्कनेस है, ये उस चीज़ को भी सिंबलाइज कर रहा है। तो ये फर्स्ट आंसर हमने देख लिया है, क्या हमने देखा है कि जो से टोड है वो इंजर्ड हो गया है, और फिर अब वो उसकी जो से चलने का स्टाइल था वो उससे इफेक्टेड हो गया, और वो अब सुकून हासिल करने के लिए एक अंधेरे वाली जगह पर चला गया है। और अब हम नेक्स्ट आंसर देखते हैं, द रेयर ओरिजिनल हर्ट्स ब्लड गोज स्पेंड्स ऑन द अर्थन हाइट इन द फोल्ड्स एंड वजनिंग्स फ्लो इन द गटर्स ऑफ द बैंक एंड स्टोरिंग आइस ही लाइज एज स्टिल एज इफ ही वुड रिटर्न टू स्टोन एंड साउंडलेसली अटेंडिंग डाइस टूअर्ड्स सम डीप मोनोटोन। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो सा उसका ब्लड है अब वो इंजर्ड हो गया है, तो अब उसके जो से ब्लड है वो निकल रहा है, और वो कहाँ जा रहा है, वो वापस ज़मीन की तरफ जा रहा है, यानी कि वापस नेचर की तरफ जा रहा है। स्पेंड्स ऑन द अर्थ एंड हाइट इन द फोल्ड्स एंड विजनिंग्स फ्लो, विजनिंग्स का मतलब क्या है कि श्रंकन हो गया है, फोल्ड्स यानी कि अब उसकी यानी कि बॉडी ऐसी होती जा रही है। इन द गटर्स ऑफ द बैंक एंड स्टोरिंग आइज ही लाइज, यानी कि अब वो पड़ा हुआ है और यानी कि वो स्टेयरिंग कर रहा है, यानी कि ऐसी यानी कि उसकी ये पिटिएबल सी कंडीशन हमें बताई जा रही है। एज स्टिल एज ए वी वुड रिटर्न टू स्टोन, अब ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं कि यानी कि अब वो इस फॉर्म से स्टोन की फॉर्म में चला जाएगा जहाँ पर वो किसी भी पेन को फील नहीं कर सकेगा। एंड साउंडलेसली अटेंडिंग डाइस टूवर्ड्स सम डीप मोनोटोन, यानी कि अब वो मर रहा है, जो उनसे टोड है वो मर रहा है बगैर कोई आवाज़ किए, यानी कि अब हम पता चल गया कि वो यानी कि अफेक्टेड हो गया है, और अब हमें पता चल रहा है कि अब वो यानी कि मरने के करीब है, वो मर रहा है। साउंडलेसली अटेंडिंग डाइस, अटेंडिंग के वर्ड से हमें क्या पता चल जाए कि जो सा ये नरेटर है या राइटर है उसने ये सारा सिनेरियो देखा हुआ है अपनी आँखों से। टूवर्ड्स सम डीप मोनोटोन, मोनोटोन क्या होता है कि आवाज़ होती है यानी कि जिसमें कोई चेंज ना आ रही हो, तो यानी कि ये भी वो आवाज़ निकाल रहा है कि आप उस आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इससे हम ये भी रेफरेंस ले सकते हैं कि अब उसकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, यहाँ से जब वो मर जाएगा तो फिर उसकी लाइफ में कोई तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, और ये यानी कि स्टेज जो सी है उसकी एंडिंग स्टेज है, और जब मर जाएगा तो फिर वो एक स्टोन की शेप में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ पर जो सी वो पेंस वो कोई यानी कि उस तक नहीं आ सकेंगी, और ये मोनोटोन की कैफियत हो जाएगी, यानी कि अनचेंजेबल हो जाएगी उसकी कैफियत। अब जो उनसे नेक्स्ट टेंस है, टुवर्ड मिस्टेड एंड एबुलियंट सीज एंड कूलिंग शोर्स टुवर्ड लॉस्ट एम्फीबियाज एम्ब्रेस डेड विंडल्स ड्रोनिंग एंड एट लेंथ इज गोन इन द वाइट एंड एंटिक आइस which still appear
to watch across the castrated lawn the haggard daylight stir. पहले वाले में हमें बता दिया है कि टूवर्ड्स सम डीप मोनोटोन, यानी कि उसकी आवाज़ ऐसी होती जा रही है कि जो उनकी इनकी अनचेंजेबल होती जा रही है, और अब हमें बता रहे हैं कि टूवर्ड मिस्टेड एंड एबुलेंट सीज, यानी कि ऐसे मिस्टेड का मतलब है कि धुंध का रुलूद और एबुलेंट का मतलब पुरजोश, यानी कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का वो लिटरेरी टेक्निक यूज़ कर ली गई है कि यानी कि ऐसे ये इस तरीके से ना हमें पोइट जो है कि वो जो इन लाइन्स पे हम देखेंगे कि डेट पोइट वॉन्ट्स टू से डेट डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और फिर वो आगे क्या कहता है कि टूवर्ड मिस्टेड एंड एबुलेंट सीज एंड कूलिंग शोर्स टूवर्ड लोस्ट एम्फीबियस एम्पायर्स, यानी कि जब वो ख़त्म हो जाएंगे ऐसे तो फिर जो से एम्फीबियस का एम्पायर्स है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, टोट मर जाएंगे तो फिर जो से इनका एम्पायर्स है वो भी लॉस्ट हो जाएगा. डेड विंडल्स ड्रॉन एंड एट लेंथ इज गॉन, डिंडल्स का मतलब किसी चीज़ का घटना, यानी कि दिन ख़त्म हो रहा है, जो उसकी लेंथ है वो ख़त्म हो रही है, यानी कि ये उसकी ज़िंदगी के में डार्कनेस आती जा रही है, यानी कि ये उसकी मौत के बाद बता रहे हैं कि उसके लिए तो डार्कनेस ही डार्कनेस है, उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो रही है. डे का मतलब लाइट, तो यानी कि जो सी लाइट की जो सी होप्स वगैरह वो सारी उसके साथ ख़त्म हो रही हैं. इन द वाइट एंड एंटिक आइज वी स्टिल अपीयर टू वॉच अक्रॉस द कैस्ट्रेट लॉन द हैगर डे लाइट स्टेयर. अब वो ये कह रहे हैं कि उसकी जो सी आँखें हैं इन द वाइड एंड एंटिक आइज विच स्टिल अपेयर, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि यानी कि वो अब स्टिल अपेयर, यानी कि पीछे हमने पढ़ा कि वो स्टोन के फॉर्म में चेंज हो गए, तो इसलिए वो यहाँ पर स्टिल अपेयर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं. और वो ये कह रहे हैं कि टू वॉच अक्रॉस द कैस्ट्रेड लॉन, यानी कि वो अब कैस्ट्रेड लॉन की तरफ देख रहा है. कैस्ट्रेड का मतलब है कि विच, यानी कि ये जो सब वर्ड है ये मैन के लिए यूज़ किया जाता है कि जब मैन यानी कि अपनी मैनली क्वालिटीज़ खो देते हैं तो फिर उसके लिए वर्ड कैस्ट्रेट यूज़ किया जाता है. तो अब वो यानी कि कैस्ट्रेट लॉन का की तरफ देख रहा है, यानी कि उसकी वजह से भी यानी कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई है ना टोट की, तो इस वजह से वो इसे कह रहा है कि कैस्ट्रेट लॉन टू वॉच अक्रॉस द कैस्ट्रेट लॉन द हैगर्ड डे लाइट स्टेयर. हैगर्ड का मतलब अनवेल, डे लाइट जो उनसे यानी कि वो ज़िंदगी है वो यानी कि अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई लेकिन बाकी ज़िंदगी तो आप ही आगे बढ़ रही है ना, तो ये वो सब कह रहे हैं कि यानी कि वो जो सी अब उसके दिन ख़त्म हो रहा है और जो उनसे अनवेल डे लाइट है वो आगे बढ़ रही है. तो अब इस यानी कि पोइम को अगर हम दोबारा से देखें, यानी कि अब हम इसको समअप करने की कोशिश करें कि यानी कि इसका एनालिसिस हमारे पास क्या बनता है, जो उनसे ये टोड की डेथ है ना, ये हमारे पास जो उनसे मुआशरे के निचले तबके के लोग होते हैं उनकी डेथ को भी सिम्बलाइज की, यानी कि इन्फीरियर लोग होते हैं और जो उनसे मोवर है उसको हम अपर क्लास के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि यानी कि अब वो उनकी वजह से जो इनके निचले तबके पर हो रहा हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो, लेकिन फिर क्या होता है कि डेथ सबको इक्वल कर देती है. देयर इज नो सुपीरियर और इन्फीरियर फॉर डेथ, Everyone is equal when death will approach. यानी कि फिर डेथ सबको इक्वल कर देगी. तो टोड जोन्स है उसको मेटाफर भी लिया गया है ह्यूमन काइंड एंड नेचर के लिए, यानी कि जो उनसे टोड है वो ह्यूमन काइंड और नेचर इन दोनों को लिंक करने का काम भी कर रहा है, कि हमने देखा है कि जो उनसे टोड है वो फिर वापस यानी कि नेचर की तरफ चला गया है और जो उनसे ह्यूमन काइंड है वो फिर इनकी परवाह नहीं कर रहा कि जो यानी कि टोड के साथ मर्जी हो, और ये टोड एज अ मेटाफर भी इसमें यूज़ किया गया है. तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थीम्स. थीम्स इसमें क्या है, मैन वर्सेस नेचर, पीस इन डेथ, थीम ऑफ मोर्टैलिटी, ह्यूमंस ब्रूटैलिटी और क्रुएलिटी. मैन वर्सेस नेचर कैसे है, मैन वर्सेस नेचर कैसे है कि जो उनसा टोड है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहा था, वो ग्रासी एरिया में रह रहा था, लेकिन मैन ने क्या किया अपने मोवर पावर के थ्रू उसको डिस्टर्ब कर दिया, यानी कि उसके जो उनसे उसकी जो उनसे स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब वो भी ख़राब हो गया, उसकी जो उनसे लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टोड उस नेचुरल इन्वायरमेंट से नहीं निकला, उस नेचर के आम से नहीं निकला, उसने उसी नेचर में ही अपना दम तोड़ा. तो ये था हमारे पास मैन वर्सेस नेचर, पीस इन डेथ. डेथ में के ऐसे पीस है कि जब यानी कि वो डेथ हो गई उसकी तो वो स्टोन में चेंज हो गया, वो तब भी वहीं था, उस
उसी जगह पर, और फिर जो उसे तकलीफ़ मिल रही थी उसके इन मोवर की वजह से, वो उसकी वहाँ पर वो स्टेज उसकी ख़त्म हो गई, यानी कि तकलीफ की स्टेज उसकी ख़त्म हो गई। वो फील नहीं कर पा रहा था फिर किसी चीज़ को, डेथ के पास आ रहा कि हम कुछ फील तो नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर इस तरह यानी कि उसे पीस था डेथ में। थीम ऑफ मोर्टैलिटी, थीम ऑफ मोर्टैलिटी कैसे कि हमने देखा कि पोइट ने कहा कि उसकी कन्वर्जन हो गई है स्टोन में, एज स्टील एज इफ ही वुड रिटर्न टू स्टोन। और फिर हम देखते हैं कि उसने ये भी कहा है कि वो फिर टू वर्ल्ड मिस्टेड एंड एबुलेंट सीज, यानी कि वो ये अब इन सब चीज़ों की तरफ देख रहा है जो उन सब वो है टोड है, यानी कि ये उसके मोर्टेलिटी के थीम को भी वो एक्सप्लोर कर रहा है यहाँ पर। फिर है ह्यूमन्स ब्रुटैलिटी, बहुत ही स्टार्टिंग लाइन में उन्होंने बता दिया है कि मोवर पावर की वजह से उसने यहाँ पर मोवर पावर की वजह से उसका पाँव जो उनसे है वो ख़राब हुआ है, और फिर उसके चलने का स्टाइल ख़राब हुआ है। तो फिर हम ये देखते हैं कि जो उनसे ह्यूमन्स इन्वेंशंस हैं वो कैसे दूसरे लोग पर मुतासर हो रही हैं, और अगर हम तोड़ को रहे इन्फीरियर लोगों के तौर पर, तो फिर हम देखते हैं कि ये इंसान ही कैसे इंसान को मुतासर कर रहा है। तो फिर ये ह्यूमन्स ब्रुटैलिटी है, ह्यूमन क्रुएलिटी है यानी कि दूसरे लोगों पर, यानी कि वो सिर्फ अपना ख्याल कर रहा है, दूसरों का ख्याल नहीं कर रहा। तो हम जो से इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि जो सब मोवर है वो ह्यूमन इन्वेंशन है ना, तो फिर ह्यूमन इन्वेंशंस के दूसरे लोगों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, ये भी इस के थ्रू इस पोइम में बयान किया गया है। तो ये था इस पोइम का जो से जो भी था, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, एंड इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Take care now, we will meet in next video. Allah Hafiz.